श्रीमक्षुभिर्यजत्राहरंगयुतुष्टवाग्मुभिर्वशेमदेवहितायु स्वस्तिनेन्द्रोवृद्धश्रवा स्वस्तिनःपूषा विश्ववेदा स्वस्तिनस्तार्क्ष्योरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। स्वसिद्धांत व्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढ़ परस्परं विरुध्यन्ते तैरयम् न विरुध्यते। इसका अर्थ ये हुआ जो द्वैती है वो अपने अपने सिद्धांत की सिद्धि के लिए दूसरों का खंडन करते हैं, ठीक है। तो परस्पर एक दूसरे का खंडन वो कर रहे हैं, तो हम लोग किसी का खंडन नहीं करते। हाँ, तुम लोग जो है अपने आप खंडन कर रहे एक दूसरे को, तो अब जो बचा हुआ है द्वैत ही बचा। तही रहे हम विरुद्ध थे, आपके खंडन के विरुद्ध हम लोग नहीं है। मैंने ये समझ लो कि पक्ष के विरोधी नहीं है, पर पक्ष ने जो आपका खंडन किया हम उसके विरोधी नहीं, और जो आप खंडनीय विषय है उसके लिए हम समर्थक भी नहीं है, और जो खंडन है उसके हम विरोधी नहीं। तई ने हम न विरुद्ध थे। शास्त्रोपत्तिभ्य अवधारित्वात् अद्वयात्म दर्शनम सम्यक दर्शनम तद बाह्यत्व बाह्यत्वान मिथ्या दर्शनम अन्यत्। शास्त्र और उपपत्ति दोनों के द्वारा निश्चित होने के कारण अद्वैत दर्शनम सम्यक, अद्वैत दर्शन सम्यक है, सम्यक दर्शन है। उससे बाह्य होने के कारण अन्य जो दर्शन है वो मिथ्या मिथ्या दर्शन है। इतश्च मिथ्या दर्शनम द्वैतनाम, द्वैतियों का मिथ्या दर्शन इसलिए भी है राग द्वेषादि दोषास्पदत्वात्। राग द्वेषादि दोष का वो विषय है कथम सुसिद्धांत व्यवस्था सुसिद्धांत रचना नियमेशु कपिल कणाद बुद्धाष्टादि दृष्ट अनुसारिणो द्वैतनो निश्चित अनिश्चिता। कथम कहने राग द्वेषादि दोषात् पदत्वात् द्वैतनाम मिथ्या दर्शनम कथम का स्वसिद्धांत व्यवस्था सिद्धांत रचना नियमेशु सिद्धांत व्यवस्था माने सिद्धांत रचना नियम नियमों में कपिल कणाद बुद्ध अर्हत आदि दृष्ट अनुसारिणो द्वैतनो निश्चिता। ये अपने अपने सिद्धांत में निश्चित है। एवमेव इस परमार्थो नान्यथा, यही परमार्थ है दूसरा नहीं। तत्र अनुरक्ता प्रतिपक्षम च आत्मन प्रसन्नता, उसमें अनुरक्त होने कारण और प्रतिपक्ष अपने आप को समझते हुए दुष्यंता एक दूसरे से द्वेष करते हैं। इत्येवं राग द्वेषोपेता ससिद्धांत दर्शन निमित्त में परस्पर अन्योन्यम विरुध्यन्ते। स्वसिद्धांत दर्शन के कारण ही एक दूसरे से विरोध करते हैं। तई अन्योन्य विरोधी भी
अस्मृतियोजन वैदिक, ये लोग जो परस्पर विरोधी विरोध करने वाले हैं, ये हमारा जो वैदिक सिद्धांत है सर्वरंजत्वात् आत्मिकत्व दर्शन पक्ष हो, सबसे अनन्य होने के कारण आत्मिकत्व दर्शन पक्ष जो है न विरुद्धते, यथा सहस्त्र पादादि भी, जैसे कोई अपने हाथ पैर से कोई विरोध नहीं करता है, उसी तरह से हम भी किसी से विरोध नहीं करते। एवं रागद्वेषादि दोषानास्पदत्वात्, रागद्वेषादि दोष का अनास्पद होने के कारण आत्मिकत्व बुद्धि रेव सम्यक दर्शनम इत्यभिप्राय, यही सम्यक दर्शन। अब इसकी टीका पढ़ रहे हम लोग, सत्र हो गया ना। अद्वैत दर्शन से उपासना विधि विरोधा भावे पी मतांतर विरोधो अस्तित्याशंक तेषाम भ्रांति मूलत्वान मयम इत्याह। पहले इसके पहले जो आ गया है कि उपासना कर्म, इसका प्रतिपादक, इसके प्रतिपादक जो वेद वचन है उनके साथ अद्वैत का समन्वय है, कर्म समुच्चय होने का, क्योंकि हमें चित्त की शुद्धि के लिए चित्त में निर्वासना वासना रहित रायित हो और चांचल्य न हो, तो पहला तो मन दोष है। मन दोष कहते हैं पाप वासना या भोग वासना, तो कर्म कांड से वो दूर होती और चित्त की जो चंचलता है वो उपासना से दूर होती, विक्षेप की शांति उपासना से होती। तो जब मन विक्षेप से रहित अंतःकरण होता है, मृदित कषाय है, जब मृदित कषाय हो जाता है, मृदित कषाय का मतलब ये है, कषाय क्या है, जैसे जैसे पेड़, किसी पेड़ की छाल से कपड़ा लोग रंग लेते हैं तो सफेद कपड़ा जो है रंग जाता है, तो उसको फिर अच्छी तरह से अगर प्रक्षालित कर दिया जाए तो फिर स्वच्छ हो जाता है। तो हमारा जो, हमारा आपका जो मन है वो कषाय युक्त है। कषाय युक्त क्या है, क्या है इसमें कषाय, ये राग द्वेष ही कषाय, राग और द्वेष ये कषाय हो गया। तो ये कषाय कब दूर होगा, जब उपासना और कर्म के द्वारा, कर्म उपासना के द्वारा इसका नाश कर दिया जाए। तो अभी क्या होता है कि राग द्वेष के कारण चित्त विषयों से उपरक्त हो जाता है, विषयों परक्त चित्त के कारण निर्विषय परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। रंग गया तो ऐसी स्थिति में नाम रूप से हमारा मन कभी अलग होता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। मुकुर मन और नयन विहीना राम रूप देखें कि मिलना, मन रूपी मुकुर जिनका ठीक नहीं है, यहां मुकुर शब्द का प्रयोग है।
जो कांच का दर्पण है उसको मुकुर नहीं कहते। पहले जमाने में लोहे को इतना चिकना और घिस दिया जाता था कि उसमें मुंह दिखाई पड़ने लगता था, राजा लोग उसी में देखते थे। तो उसमें अगर जरा सा भी हाथ लग जाए, पानी लग जाए, तो उतना हिस्सा जो है काई से हो जाता है, तो मुख साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। जब स्वच्छ होगा तब दिखाई पड़ेगा। इसलिए भजन गाया जाता है, तेरे नैन लग गई काई, तू दरस कहां से पाई। तुम्हारे नेत्रों में काई लग गई है, माने अंतःकरण रूपी नेत्र है, उसमें काई विषयों की लगी हुई है, राग द्वेष बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में चित्त का कषाय दूर करना पड़ेगा, मृदित कषाय जब हो जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी वो होगा, वेदांत का श्रवण मन नहीं जाता करने का अधिकारी होगा। तो उनका तो हो गया, इनके साथ समन्वय कैसे होगा? ये सब लोग वैदिक हैं, वेद को मानने वाले हैं, ये लोग बाह्य हैं, श्रुति को परम प्रमाण न मान के प्रत्यक्ष अनुमान आदि मानते हैं। तो बोले कि तद्बाह्यत्वात् इत्यत्र तत्शब्देन सत्वोपपत्ति गृह्येते। तो बाह्य क्यों कहा? कहते हैं सत्वोपपत्ति से बाहर है लोग, द्वैत दर्शन से मिथ्या दर्शनत्व हितंतर परत्व अवतारितस्य श्लोकस्य दर्शयति तश्चेत्। द्वैत दर्शन जो है मिथ्या दर्शन है, इसमें दूसरा एक हेतु देखने के लिए बताने के लिए इतश्च भाष्य में आ गया, इतश्च मिथ्या दर्शन द्वैतना रागत बीटा दोषास्पदत्वात्, इसलिए भी दोष युक्त है। द्वैत दर्शन से मिथ्या दर्शनत्व हो गया, द्वैत नाम आदि शब्द मदमानादयो गृहीता रागत जो शादी में है ना, आदि शब्द है, इसका अर्थ है मदमान, अपने अपने सिद्धांत में मत हो गए। मान भी होता है कि अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा मान भंग हो जाएगा। स्वयं स्वयं सिद्धांतम व्यवस्था भी तुम अपने अपने सिद्धांत की व्यवस्था करने के लिए तत्व ज्ञान अधिकृत प्रवृत्ता नाम तत्व ज्ञान को लेकर प्रवृत्त होते हैं बाजी नाम कुतो दोषास्पदत्व मिथ्याक्षिपति दोस्तों में आक्षिपति। कहते हैं अपने अपने सिद्धांत की व्यवस्था करने के लिए तत्व ज्ञान के लिए वो प्रवृत्त हो रहे हैं सब बाजी, तो वो दोषात्पदत्व में कहां से आ गया? कथम इति कथम या न कथम ससिद्धांत व्यवस्था सु ससिद्धांत रचना निमेश यह है श्लोकाक्षर योजना परिहरती स्वसिद्धांत निश्चय में सूर्यती एवं रागास्पदत्व भी तेषाम द्वेषास्पदत्व कथम। कहते हैं रागास्पदत्व उनमें बड़ी हो, द्वेषास्पदत्व कहां से आ गया? बोले प्रतिपक्ष का विरोध कर रहे हैं।
तो सिद्धांत यदि वाजिना प्रत्येक सिद्धांतत्व संघटितम दर्शनम तदार्थम अन्योन्यम वाजिनो विरोधम अचरंतो दृश्यन्ते। जो वादी हैं अपने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए अपने सिद्धांत का निर्धारण करने के लिए एक दूसरे का विरोध करते न चतई अद्वैत दर्शन वृद्धमान अध्यवसीय थे। अद्वैत दर्शन उनसे वृद्ध नहीं है। यथा स्वकीय करण चरणादि भी आघाते कदाचित आचरते भी देशो ले जाए थे। कहते हैं जैसे अपने हाथ में पैर में कोई आघात हो जाए तो हाथ पैर से द्वेष नहीं होता, वैसे अद्वैती भी किसी से द्वेष नहीं करता क्योंकि सब आत्मा ही है। पर बुद्ध भावात तथा द्वैताभिमानी भी चुपद्रवे क्षुद्रे कृते भी ना द्वैत दर्शन तेसु देश हो जाए थे। तो कहते ये जो है सबको जब हमारी आत्मा ही है तो क्षुद्र उपद्रव अगर ये करते भी हैं तो इनसे हमारा कोई द्वेष नहीं। हाँ ये है। अगर जीव ने जीव दांत में दब गई तो जीव कट जाती है तो दांत थोड़ी तोड़ दिया जाता है। ठीक है भाई अब हो गया। दर्शन विरुद्धमानम अध्यवसीयते यथा स्वकीय कर्णचरणादि भी राघाते कदाचित आचरते भी देशो न जायते। अपनी अपना हाथ ही अपनी आंख में लग जाता कभी कभी तो आंख में दर्द हो जाता है तो काट थोड़ी देते हैं। एवं रागद्वेषाय दोषानाश मदत्वाद आत्मिकत्व बुद्धिरेव सम्यक दर्शनम इत्यभि प्रायः। अब आगे चलिए। अद्वैतम परमार्थो हि द्वैतम तद्भेद उच्यते तेषाम् उभयताद्वैतम् तेनायम् न विरुध्यते। केन हेतुना तैर न विरुद्धते इत्युच्यते। किस कारण से आप इनसे विरुद्ध नहीं आपका विरुद्ध नहीं है। अद्वैतम परमार्थ तो ही अस्मात् द्वैतम नानात्म तस्य अद्वैत अद्वैतस्य भेद तद्भेद तस्य कार्यम इत्या। अद्वैत जो है परमार्थ है और द्वैत जो नानात्व है तस्य अद्वैतस्य भेद उस अद्वैत का भेद तद्भेद तस्य कार्यम इत्यर्थ। अद्वैतम परमार्थम ही यस्मात् द्वैतम नानात्मम तस्य अद्वैतस्य भेदः तद्भेदः तस्य कार्यम इत्यर्थ। ये जिगा किसको देखना है द्वैत पक्ष अद्वैत पक्ष विषय द्वार के विरोधो अधिगम्य माने कथम अविरोधा पाचो युक्ति इत्याशंक स्वमत परिहार लोचने तवद अविरोध माह। कहते हैं द्वैत पक्ष के द्वारा अद्वैत पक्ष का विषय द्वारक विरोध तो है तो फिर अविरोध कैसे आप कर रहे हो।
तो बोले कि अपन अपने मत की परालोचन से हम अविरोध हैं, अद्वैत की मिथ्या भूतेन द्वैतेन अद्वैतस्य अविरोधे भी परमार्थ भूतेन तेरे विरोधा साधित्या शंक तथा विदम द्वैतम नास्ति की मत्वा इत्या द्वैतिनाम परमार्थत्व न परमार्थत्व द्वैतमेव व्यवहार गोचरीभूतम तच्चा संप्रतिपन्न द्वैतवन मिथ्यत्व मिथ्यते चा द्वैतेन अद्वैत से विरोध सकृंगो भवति। तो ये कहते हैं कि जो द्वैत है नानात्व, नानात्व यदि होता तो हम उससे विरोध करते, नानात्व मिथ्या है, जब वो है ही नहीं तो झगड़ा किससे, तो वो द्वैत सिद्ध कर रहे हैं। और श्रुति कहती है कि मैं मादती हूं, तो ये जब हमने निश्चय कर लिया तो द्वैती कुछ भी कहते रहे, नाना तो कोई सिद्ध करेंगे और नाना तो है नहीं, तो उससे हमारा विरोध नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, जैसे सर्प जो है उसका रज्जु निश्चय, रज्जु से कोई विरोध नहीं है क्योंकि वो ही नहीं, भ्रांति से प्रतीत हो रहा है। इसी तरह से ये भ्रांति से द्वैत का वर्णन कर रहे हैं, ये द्वैत का वर्णन कर रहे हैं वो वास्तव में नहीं है, भ्रांति द्वैती को है, भ्रांति द्वैती को है, माने द्वैत जो है द्वैती लोग किसको सिद्ध कर रहे हैं, नानात्व को, नानात्व को द्वैती सिद्ध कर रहे हैं, कहते हैं जीव अलग है ईश्वर अलग है, कुछ भी कहते रहे नाना, तो जो नाना है वो हो तब तो हम विरोध करें उससे, नेह नानात्व की जन, यहां कुछ नाना है ही नहीं, नाना तो नाना भाई नहीं, इसलिए हमारा द्वैतों का नाना तो यदि होता तो हम विरोध करते। जब श्रुति से हम अद्वैत को समझ चुके हैं, द्वैत है ही नहीं, अब चिल्लाते रहो है, बहुत से लोग कहते हैं कि सर्प है, कोई कहता माला है, कोई भूतचित्र है, आपस में आप लड़ रहे हो, वो तो नहीं जी ये सर्प नहीं है ये माला है, नहीं जी ये जलधारा है, नहीं जी ये भूतचित्र है, आपस में ही लड़ रहे हैं, लेकिन वो तो किसके लिए लड़ रहे हो, नाना तो के लिए लड़ रहे हो, नाना तो वास्तव में है, इसलिए हमारा आप लोगों से झगड़ा नहीं है, आपस में आप झगड़ते रहो, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं विशिष्टाद्वैत है, वो कह रहे हमारा शुद्धाद्वैत है, किसी ने कहा हमारा द्वैताद्वैत है, किसी ने कहा हम द्वैत ही है, एक दूसरे का खंडन आप कर रहे हो। हम लोग कहते हैं कि भाई जब अद्वैत ही है तो तुम्हारा द्वैत है ही कहाँ, तो हम कहाँ किसका खंडन करेंगे, आपस में आप झगड़ा कर रहे हो करते हो। तो ये कहना है अद्वैतियों का। तो द्वैत पक्षे अद्वैत पक्ष से विषय द्वार के विरोधे अजगम्य माने कथम अविरोधा अविरोध वाचो युक्ति इत्याशंका।
तो विकारा विवर्ता इत्यर्थ तीन द्वैत से शांति मूलत्व है। अच्छा आगे है, मिथ्या भूतेन द्वैतेन अद्वैतस्य विरोधे भी परमार्थ भूतेन तेन विरोधस्यात् इत्यादंक तथा विदम द्वैतमेव नास्तित्वमत्वा द्वैतनाम परमार्थत्वेन अपारमार्थत्वेन च द्वैतमेव व्यवहार गोचरीभूतम् तच्च संप्रतिपन्न द्वैतवन मिथ्या इत्येवं च द्वैतेन अद्वैतम रोधस्य कलंको भवति इत्यर्थः। श्लोक प्रसिद्ध प्रश्न करोति। अब आगे देखें, ये तो अठारवा है ना, भाष्य पढ़ना। केन हेतुना विरुद्धते इत्युच्यते अद्वैतम परमार्थो हि यस्मात् द्वैतम नानात्वं तस्याद्वैतस्य भेदः तद्भेदस्तस्य कार्यमित्यर्थः। नानात्वं तस्याद्वैतस्य भेदः तद्भेदः तस्य कार्यम् एकमेवाद्वितीयम् तत्तेजो अस्ते उपस्थ सचित्तास्पदा भावे समाधव मूर्छायां सुसप्तु च अभावात् अतः तद्भेद उच्यते द्वैतम् द्वैतानां द्वैतिनां तेषां परमार्थतश्च अपरार्थतश्च वैतापि द्वैतमेव तेषां भ्रांतानां द्वैतदृष्टि द्वैतदृष्टि अस्माकम् अद्वैतभ्रांतानां तेनाम हेतूनां अस्मत्पक्षो न विरुद्यते तै इन्द्रियमायाभि पूर्वरूपीयते द्वितीयमस्ति इति श्रुते यत्तमसागजारूढमन्मत्तं भूमिष्ठं प्रति गजारूढम् वायमाम प्रतीति ब्रह्माणमिति तम। ये भाष्य हो गया। ब्रह्माणमितम आगे भी है। प्रति न बाह्य तस्मात्बुद्ध्या ततः परमार्थो ब्रह्मविदाम आत्मैव द्वैतनाम तेनायाम हेतुना अस्मत्पक्षो न विद्यते तै। अब इसकी टीका देख रहे हैं। द्वैत पक्ष ही अद्वैत पक्ष से विषय द्वार के विरोध अधिगम माने हृदय अधिगम माने कथम अविरोध वाचा युक्ति है। ये पांच पांच में क्या कह रहे हैं, वाचा युक्ति मार्ग पड़ेगा इत्यासंग समत परिलोचन से लोचने विरोध महा अपने मत की पर्यालोचना से विरोध मिथ्या भूतेन द्वैतेन अद्वैतस्य अविरोधे भी परमार्थ भूतेन तेन विरोधस्य अविरोध जो है पहले हम बता चुके कि मिथ्या वस्तु से विरोध नहीं होता। मिथ्या भूत सर्प से रज्जु निश्चय वालों का विरोध नहीं होता।
वो है ही नहीं, वो तो विरोध हो। तो ये जितना भी द्वैत है ये मिथ्या है। तो बोले कि व्यवहारिक द्वैत मिथ्या है, आप कहते हैं ठीक है, लेकिन जो पारमार्थिक द्वैत है वो तो सत्य है। तो बोले चाहे आप परम वैद इसको परमार्थ कहें चाहे परमार्थ कहें, तो परमार्थत्व न परमार्थत्व चाहे द्वैत द्वैत में व्यवहार को त्रिभूतम। उनके यहां तो द्वैत ही व्यवहार का विषय है, चाहे परमार्थ हो चाहे अपरमार्थ हो। तच्च संप्रतिबन्न द्वैतवन मिथ्या मिथ्या तच्च आठ परमानुभूतेन का अर्थ किया है व्यवहारिका आकाशादि द्वैतेन। तच्च परमार्थत्वाभिमतं द्वैतं मिथ्या द्वैतत्वात् परमार्थत्वाभिमतं द्वैतं मिथ्या द्वैतत्वात् संप्रतिबन्धवत् सुक्तिका रूपाजु द्वैतवत् इत्याजु अनुमान द्वैतत्वात्। तो यहाँ पर भी चाहे वो द्वैत को पारमार्थिक है या अपारमार्थिक है, दोनों ही मिथ्या है। तो हम ये अनुमान कर लेंगे कि द्वैतों का परमार्थिक रूप से अभिमत जो द्वैत है वो मिथ्या है। तो मिथ्या है, हेतु क्या है इसमें? द्वैत होने के कारण, जैसे व्यवहारिक द्वैत मिथ्या है द्वैत होने के कारण, वैसे ये पारमार्थिक द्वैत भी मिथ्या, तो दोनों में समान है। पारमार्थिक भेद ये है कि जीव ब्रह्म बिल्कुल अलग अलग है, एक नहीं है। जीव अणु है, परमात्मा व्यापक है। जीव जो एक किंकर है, ईश्वर स्वामी है, ये सब नहीं समझे तो इसको वो वास्तविक मानते हैं। हम लोग कहते हैं कि ये घटाकाश मटाकाश के समान, उपाधि भेद से भिन्न मालूम पड़ रहे हैं, वास्तव में भिन्न नहीं, लेकिन वो वास्तविक मानते हैं। तो व्यवहारिक भेद ये है, घटपटादि का जो भेद है व्यवहारिक है, ऐसा है कि इतना अंतर हम लोग मानते हैं कि अर्थक क्रियाकारित्व प्रत्येक का भिन्न भिन्न, ये पहले भी बताया जा चुका है कि घट से जलानयन रूपी अर्थक क्रियाकारित्व हो जाएगा। घड़े से हम जल ला सकते हैं, लेकिन जो मठाकाश है उससे जल नहीं ला सकते, उसमें सो सकते, घट में नहीं सो सकते। सूच्याकाश कर्काकाश इनसे जल पी सकते हैं या ढक सकते हैं। तो ये जो अर्थक क्रियाकारित्व है ये व्यावहारिक भेद, व्यावहारिक भेद होने पर भी तत्वता भेद नहीं, तत्वता तो मिट्टी है, मिट्टी से ही ये सब बने हैं।
घाट मठ कुछ भी बने, तो इनके भेद से अर्थक्रिया भिन्न भिन्न भले हो गई, लेकिन ये भेद वास्तविक नहीं है। ये लोग जो है अर्थक्रिया कारित को ही सत्य मानते हैं, अर्थक्रिया कारित ही सत्य है, लेकिन इसको अगर मान लेते हैं हम लोग तो तत्वता अभेद नहीं सिद्ध होगा। हम लोग तो कारणात्मा ना सब तत्व है। ठीक है, अर्थक्रियाकारित्व जो है स्वप्न के दृश्य से भी हमको भय होता है, होता है ना, और स्वप्न में कुछ अच्छा देखते हैं तो सुख भी होता है, तो सुख दुख के ही अर्थक्रियाकारित्व है, वो मिथ्या में भी हो रहा है, इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सत्य ही तभी उसमें अर्थक्रियाकारित्व हो। प्रयोजन सिद्ध करने वाली क्रिया, ठीक है। तो ये बताया इन्होंने द्वैत नाम परमार्थत्व न परमार्थत्व जो द्वैत में हो व्यवहार गोचरीभूतम तच्च संप्रतिपन्न द्वैतवन मिथ्या इत्येवं स्थिते न द्वैतेन अद्वैतस्य विरोधः शक्य शंको भवति। श्लोक प्रसिद्धं प्रश्नं करोति केन हेतुना द्वैत से अद्वैत कारणत्व प्रमाण एकमेव श्रुति प्रमाण्यात अद्वैत प्रमाण्यात अद्वैत द्वैत कार्यत्वगमात कार्यस्य कारणात् भेदेन सत्य भेदात् तत्सत्यम् इति विधात् नादिर दर्शनम द्वैत दर्शन विरुद्धम अद्वैत दर्शनम द्वैत दर्शन अविरुद्धमेव इत्युक्तमेव उत्पत्ति तामेव उत्पत्तिम संक्षेपम संक्षेप दर्शय। तो ये बताया उन्होंने कि सदैव सोमेदमग्र आसीत एकमेव आदित्य, पहले सत ही था, उससे इदम नाम रूप क्रियात्मक जगत सृष्टि पराग सत एव आसीत, सत ही था, उससे द्वैत की उत्पत्ति हुई। तो द्वैत की उत्पत्ति उससे हुई तो सत कारण हो गया, द्वैत कार्य हो गया, तो कार्य जो है वो कारण से अनन्य होता है, तो जब सत से उत्पन्न हुआ है तो सत रूप है, उससे भिन्न तो हो ही नहीं सकता। तो श्रुति ये बात कह रही है, इसलिए ये जो आप भेद देख रहे हैं वो सत कार्य होने के कारण देख रहे हैं, हम कारण देख रहे हैं, तो आप लड़ते रहिए कार्य को लेके, हमारी कारण दृष्टि और दूसरी उपपत्ति भी है। उपपत्ति यह है कि जब मन चंचल होता है तो संसार की प्रतीति होती है, और जब मन निश्चल हो जाता है तो संसार की प्रतीति नहीं होती। मनसो अमनी भावे द्वैतम नहीं उपलब्ध, मन जब अमन हो जाता है तो द्वैत का पता नहीं लगता, चित्त के चरित होने पर ही संसार प्रतीत होता है। तो अन्वय व्यतिरेक है, चित्त की चंचलता से संसार प्रतीत हो रहा है, चित्त की चंचलता करना हो तो संसार प्रतीत नहीं होता, इसलिए संसार चित्त मात्र है, चित्त का संकल्प मात्र है, ये सिद्धांत है। भाष्यकार
सूत्रभाष्यम जैव अणु परमार्थम मन्यन्ते अस्मदीयः इति अस्मदीयः इति द्वैतिनः तो मतलब यह है कि अणुरणीयान महत्वमहीयान वहां पर आता है, अणुरणीयान एक पक्ष तो यही है और महत्वमहीयान तो जो जितना सूक्ष्म होता है वह उतना ही व्यापक होता है, स्थूल व्याप्य होता है और सूक्ष्म व्यापक होता है। तो जो कार्य है वो स्थूल है, कारण जो है सूक्ष्म है तो उससे व्यापक है। इसलिए ये माना जाता है कि पृथ्वी जल से उत्पन्न हुई है तो जल पृथ्वी से अधिक, जल व्यापक है, पृथ्वी व्याप्य है। और जल अग्नि से उत्पन्न हुआ है, अग्नि जो है व्यापक है, व्यापक है। अग्नि वायु से उत्पन्न हुआ तो वायु अग्नि से ज्यादा है, व्यापक है। और वायु जो आकाश है, आकाश से भी सूक्ष्म आत्मा है, तो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वो व्यापक है। श्री अणोरणीयान महत्व भैयान, इसलिए वो महान व्यापक। जो सूक्ष्म वस्तु होती है वही ज्यादा होती है, स्थूल तो सरिचिन्न हो जाती है। यह है, यहाँ अणु शब्द का अर्थ परमाणु नहीं है कि परमाणु जैसे सूक्ष्म होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अणु माने सूक्ष्म, तो सूक्ष्म जो है व्यापक होता है। सचित्ते सुषुप्ताज्यवस्थायां स्वकीय चित्त स्पंदनाभावे मिथ्या ज्ञानोपरमे सती द्वैत दर्शनाभावात् अद्वैतम सिद्धम। जब सुषुप्तादि अवस्थाएं होती आदि सबसे समाधि ले लो, अपने चित्त का स्पंदन जब नहीं रहता तो मिथ्या ज्ञान का उपरम हो जाता है, द्वैत दर्शन सम रहता नहीं। ततश्च स्वप्नवत् जागृत वेदाना उत्पत्ति दर्शनात्, उसी प्रकार स्वप्न के समान जागृत वेदों की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति से द्वैत जो है, अद्वैत जो है, अद्वैत जो है, अद्वैतम द्वैत कार्यम न च कारणम, पते द्वैतम अद्वैत कार्यम, द्वैतम अद्वैत कार्यम च कार्यम न च कारणम तत्कार्य प्रतिभाषे विरुद्धते। हाँ, कारण जो है अपने कार्यों के प्रतिभाष से विरुद्ध नहीं होता। कार्य से वाचा रमण मात्रत्वात् कारणातिरेकेण अभावात् कारण से अतिरिक्त है नहीं, तेषाम इत्यादि भागम विवर्तते द्वैत नाम की। परमार्थ द्वैतांश न अद्वैत विरोधमासंग द्विधा व्यवहार विमतस्त द्वैतस्त द्वैतत्वादेव संपत्ति मन में इत्यात्त देर नतेन विरोध अद्वैत मन संधा। भ्रांति मूल द्वैत दर्शन अद्वैत दर्शन प्रमाण मूलम अविरुद्धम इत्येत दृष्टांतेन उपाधीयता। कार्य कारण भूत और द्वैता द्वैत और विरोधे सिद्धे हृदमा अद्वैतनम। हृदम का प्रादेशिक पक्ष परिवार या तो द्वैत पक्ष ही अद्वैत पक्ष विरुद्ध न भवति। ये कहते हैं कि एक व्यक्ति हाथी पर चढ़ा हुआ है, हाथी पर चढ़ा घूम रहा है और एक जमीनी पे खड़ा है, वो कहता मैं हाथी पर चढ़ा हुआ हूं, मुझे ले चलो।
तो जो हाथी में चढ़ा हुआ वो क्यों उससे झगड़ा करेगा, तुम तो वहीं पड़े हो, जमीन ही पड़े हो, ये मतलब। इसलिए उससे अद्वैत से विरोध है। ये बढ़िया बात है कि जो नाम रूप है, ये नाम रूप क्या है, नाम रूप दो ईश उपाधि गोस्वामी जी कहते हैं। तो नाम जो है वो शब्द है, ठीक है। जैसे हमने कोई नाम उच्चारण किया, देवदत्त नाम रखा, तो देवदत्त क्या है, ये अक्षर है, शब्द ही है ना, तो ये शब्द क्या है, जो हम लिखते हैं वो तो इनका स्वरूप नहीं है, जो हम लिख रहे हैं वो तो रेखा है, रेखाओं के द्वारा अक्षर का हमको बोध होता है, और अक्षर जो है निश्चित है, उन्हीं का उन्हीं की अनुपूर भी बदल जाती है, तो कभी कोई अक्षर आगे हो जाता है, कोई पीछे हो जाता है। राजा जरा, राजा जरा, राजा जारा, नग नग नाग, तो इनमें अक्षरों का ही अभावोद भाव होता है सब। तो ये ह्रस्व दीर्घ भी अक्षर में कल्पित है, और आगे पीछे भी इनमें कल्पित है। तो अर्थित नाम क्या है, अर्थमात्र होगा, ठीक है। इसलिए राम नाम जो है राम मात्र है, वो राम मात्र मतलब रकार अकार और मकार, ये जो अक्षर है इनको आप लिख के आप बता रहे हैं, तो ये तो रेखाएं हैं, और अकार अकार मकार जो है ये अगर अक्षर मानते हो तो अक्षरों में भी आगे पीछे आपने किया है, अक्षर मात्र है, तो आखिर क्या है, तो राम नाम की जो वस्तु है वो क्या है, तो आप कहेंगे रूप, तो रूप दिखाई पड़ता है, वो राम है, वो उसका वाचक है, नाम जो है रूप का वाचक है, रूप क्या है, रूप जो है भगवान का बदलता रहता है, जब अवतार हुआ तो चतुर्भुज रूप में हुआ, उसके बाद छोटे से बालक बन गए, कई तरह की क्रियाएं हो रही हैं, तो कब वही राम है, चतुर्भुज राम है, ये बालक राम है, या सीता जी के वियोग में रोने वाला राम है, तो ये राम नहीं है, ये राम की लीला है, और राम का जो रूप है वो भी राम ने अपना धारण किया कभी छोड़ा है, तो रूप को ग्रहण करने वाला और छोड़ने वाला कौन है, तो वो तो रूप ही नहीं है। तो नाम रूप दो ही रूप आज दोनों ईश्वर की उपाधि। अब आप कहें कि भाई ये जब नाम रूप नहीं है तो राम ही नहीं है, ये आप कह सकते हो, जब नाम भी नहीं है रूप भी नहीं है तो राम कहाँ है। तो कहते हैं भाई किसी में किसी की कल्पना होती है, क्वचित किंचित कल्पते, तो कहाँ इसकी कल्पना हो रही है, कोई तत्व है जिसमें रूप और नाम की कल्पना हो रही है,
वो जो तत्व है वही राम है। ये पकड़ने की बात क्यों आया समझ में है? नाम जो है रूप का वाचक है, और न जैसे राम नाम वास्तविक नहीं है, रूप भी वास्तविक नहीं है, तो बदलते रहते हैं। दशावतार उसी अवतार में नाना रूप धारण करते हैं वो, तो और कौन सा रूप है उनका? तत्व वास्तविक है, उनमें जो तत्व है जिसमें ये नाम रूप कल्पित हैं, क्योंकि निरधिष्ठान ब्रह्म नहीं हो सकता, साधिष्ठान होता है, तो अधिष्ठान कौन है? वो अधिष्ठान जो है सर्वाधिष्ठान, सारा जगत जिसमें कल्पित है, सारे जगत के नाम रूप जिसमें कल्पित है, वो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म है। अब उस ब्रह्म को जानने के लिए अगर हम कैसे जाने उसको, अगर हम अपने से भिन्न रूप से उसको देखते हैं तो वो परोक्ष ज्ञान होगा, अपरोक्ष नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में अपरोक्ष ज्ञान कैसे होगा? जो अपरोक्ष है पहले से वो आत्मा, उस आत्मा से वो राम अभिन्न है, इसलिए आत्मा ही राम है, आत्मा राम। आत्मा अपरोक्ष कैसे? तुम हो कि नहीं हो? मैं हूं, यही अपरोक्ष। ये अपरोक्ष है, कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं ये कहना मुमुखे जेवा नास्ति इसके समान है। मेरे मुंह में जीभ नहीं है ऐसा कोई कहे, तो अगर जीभ नहीं तो कैसे कहता है कि नहीं है? तो कहना होगा कि हम तो जीभ तो है। इसी तरह से मैं अगर ना होता तो मैं नहीं हूं कि कौन कहता? तो अहम अस्मि ये सब जानते हैं। वो जो अहम है जिसको हम अस्मि कह रहे हैं, अब उसमें भी उपाधि का त्याग करते जाओ और सत्ता को पकड़ते जाओ, तो जैसे हमने अहम कहा तो अहम से हमने शरीर को ले लिया, मैं शरीर हूं, शरीर का कोई नाम या रूप हमने पकड़ लिया, मैं ब्रह्म विद्यानंद हूं ये कह रहे हैं, ये नाम है, ये ब्रह्म विद्या इस शरीर का नाम है, तो शरीर को मैं कह रहे हैं, तो शरीर मेरी उपाधि है, इसका त्याग करो, सत की तरफ जाओ, फिर इंद्रियां, फिर प्राण, फिर मन, फिर बुद्धि, इन सब उपाधियों का त्याग करते करते जो शुद्ध सत है, वो सत जो है वो चित रूप है, वो स्वयं प्रकाश है। ये जो उपाधियां हैं ये प्रकाश से हैं, इनको हम जानते हैं, जानने वाला इनसे अलग है, वो प्रकाशक है, सबका परम प्रकाशक, सबका परम प्रकाशक। यहां तक कि जो अहंकार है उसको भी हम जानते हैं, अहम अस्मि मैं हूं, तो मैं शब्द का जो उच्चारण हम करते हैं वो इदम को साथ में लेके करते हैं, शरीर को, इंद्रिय को, प्राण को, मन को, बुद्धि को अपने साथ जोड़ के मैं का उच्चारण करते हैं, और अगर इनको हम अलग कर दें अपने से तो अहंकार मर जाएगा, फिर शुद्ध चित रहेगा, शुद्ध अहम रह जाएगा। तो शुद्ध अहम जो है वो शुद्ध अहम ही राम है। इस रूप में जिस समय हम राम को देखेंगे तो राम का साक्षात्कार हो जाएगा, नहीं तो आप साक्षात्कार कर लो,
इसी रूप में देख लो। तो उस रूप में देखने के कारण आप राम का साक्षात्कार आपको नहीं हुआ। साक्षात्कार जब उसके तत्व का हो जाएगा, वही हम कहा करते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विष्णु नाम वासुदेवोस्मि, पांडवा नाम धनंजया, मुनि नाम अप्याम व्यास, कवि नाम उसना कवि। कहते हैं विष्णुओं में वासुदेव मैं हूं, पांडवों में धनंजय मैं हूं, मुनियों में व्यास मैं हूं, और कवियों में उसना कवि मैं हूं। तो क्या अर्जुन नहीं समझ रहा है कि ये वासुदेव है? वो कौन बोल रहा है कि विष्णु में वासुदेव मैं हूं? अगर विष्णु में वासुदेव वो होते, वासुदेव ही वो न हो, मैं पद का बादशाह होता, तो पांडवा नाम धनंजय कैसे कहते? है ना, माने धनंजय और वासुदेव दो हैं। धनंजय सारथी है और धनंजय जो है रथी है, और पांडव जो है वासुदेव है। तो रथी और सारथी दोनों अलग अलग, और दोनों को मैं कह रहे हैं, तो मैं तो दो नहीं हो सकता, मैं तो एक ही होगा। तो वो जो मैं है न वो वासुदेव है न धनंजय, ये सबसे विलक्षण है, वो आत्मा है। उस रूप में भगवान अपने आप का वर्णन कर रहे हैं। गीता का तत्व यदि अच्छी तरह समझ लिया जाए तो अद्वैत में ही उसका परिवर्तन होगा। तो बस हो गया। ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्ये माक्षिभिर्यजत्रा त्रैरंगैः तुष्टवाग्भं सत्तनुभिर्वसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्चर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।